इलेक्शन 2018 की तैयारियां, मुतहिदा मजलिस अमल ने भी कमर कस ली। जमात इस्लामी के मरकजी दफ्तर मंसूरा में खसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहतमाम। जनरल सेक्रेटरी मुतहिदा मजलिस अमल लियाकत बलोच ने इंतखाबात के हवाले से लाया अमल पेश किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान को MMA जैसी नजरियाती और बाएतमाद क़यादत की जरूरत है। पाकिस्तान को इस वक्त एक इस्लामी नजरियाती और बाएतमाद निज़ाम की और क़यादत की ज़रूरत है। जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी ने बताया कि मुतहिदा मजलिस अमल ने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। सुबह सिंध के 60 अज़ला में तंजीमी कमेटियाँ कायम हो चुकी हैं। दीगर मामलात एक हफ्ते में मुकम्मल कर लिए जाएंगे। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के 60 अज़ला में ज़िली तंजीमें कायम हो चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई तंजीम और ज़िली तंजीमों का भी आइंदा एक हफ्ते में यह अमल मुकम्मल हो जाए। लियाकत बलोच का मजीद कहना था कि हम करप्ट अनासर का एहतसाब चाहते हैं। मुतहिदा मजलिस अमल पाकिस्तान पर जान निछावर करने वाले नौजवानों के लिए प्लेटफॉर्म है। कैमरा मैन जाजर इरशाद के साथ मुदस्सिर नवाब, लाहौर न्यूज़।